जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ओपेड़ा फ्लाईओवर के पास तीन गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे के दौरान एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर बाबूगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही सूचना पाकर NHAI की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने रास्ते को क्लियर कराया। इसके बाद यातायात सुचारू हुआ। जानकारी के अनुसार एक I-20 गाड़ी बुधवार की सुबह दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी ओपेड़ा फ्लाईओवर के पास पहुंची तो उसने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में टक्कर थी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तो डिवाइडर पर चढ़ गई, लेकिन I-20 गाड़ी के चालक ने इस दौरान नियंत्रण खो दिया और वो डिवाइडर कूदकर दूसरी ओर पहुंच गई, जहां सामने से आ रही जीप से I-20 गाड़ी टकरा गई। जीप में एक परिवार नैनीताल से गुरुग्राम जा रहा था। सड़क हादसे के दौरान तीनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। स्विफ्ट में चार लोग सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं जीप में सवार सुषमा सक्सेना पत्नी रामचंद्र, I-20 कार में सवार शुभम पुत्र शिव प्रकाश और अंकित पुत्र वसंत सिंह निवासी गण गजरौला घायल हो गए। सूचना पर बाबूगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम आ रहे थे जी इधर से, ये पुलिस रेड मारे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी मारी, हमारी डिवाइडर पर चढ़ी, ये इधर जाके इधर लगे, फिर इधर आ गए।